आज बनाएंगे बहुत ही बढ़िया फ्राइड भिंडी, जिसको आपने शायद ही कभी ट्राई करा होगा। इसमें हम साबत की साबत भिंडी को आज फ्राई करने वाले हैं और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा दमदार और मज़ेदार लगेगी दोस्तों, एक बार आप बनाएंगे अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई और उसमें थोड़ा ऑयल ले लिया है और अपनी भिंडी को अच्छे से वॉश करने के बाद उसमें डालना है हमने फ्राई वाली कढ़ाई में अपनी भिंडियों को। आपको एक बारी में सारी नहीं तली जाएंगी क्योंकि कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं होती, तो आप फटाफट अपनी कुछ भिंडियों को तल लीजिए और उसके बाद 2 से 3 शिफ्ट में आपकी सारी भिंडियाँ 2-3 बैच में तल जाएंगी। तो हमने क्या करा है दोस्तों, एक बारी में हमने कुछ 15 से 20 भिंडी डाल देनी है और उसके बाद ऐसे ऐसे करके 2-3 बार में फ्राई कर लेना है। ये भिंडी आपको ज़्यादा नहीं पकानी, लेकिन हाँ कच्ची भी नहीं छोड़नी। जैसे ही भिंडी फटना शुरू हो जाए आपको झटपट इसको बाहर निकालना होगा। लगभग फटने में इसको 3 से 4 मिनट लगते हैं। आप देख सकते हैं इतनी कुछ क्वांटिटी में हमने ये भिंडी को लेना है और एक बारी में, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, नहीं तली जाएगी, तो हम लगभग 3 बारी में इसे 3 बैचेस में निकालने वाले हैं। मैं आपको झटपट फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा, पहला बैच निकाल के दिखा देता हूँ आपको किस लेवल में जाके इसको पकाना होगा, ताकि आप कच्ची भी ना निकालें और जली हुई भी ना निकालें। तो इसका जैसे ही कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाए या फिर हल्की सी ये आपको पतली पतली परत होने दिख जाए ऊपर वाली, तो आपको उसी वक्त इसे बाहर निकालना है। 3 से 4 मिनट लग जाते हैं इस प्रोसेस में। तो चलिए मैं इसको अब बाहर निकाल लेता हूँ। लगभग ये थोड़ा सा पतला होना शुरू हो गई है, ये देखिए कैसे फूली फूली है और अभी इसमें फूलापन कम हो गया है और मेरे को अभी एक आध भिंडी फटती हुई भी नज़र आ गई है, इसका मतलब ये तैयार है। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको निकाल लिया है और उसके बाद झटपट मैं अपना अगला बैच भी इसमें डालूंगा। ये जो भिंडी फ्राई की रेसिपी है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और आगे जाके आप जब इसे देखेंगे तो आप कहेंगे सच में एक यूनिक और अच्छा तरीका है और इसको खा के मज़ा भी आने वाला है आपको। तो भिंडी हमारी एक बैच बाहर आ गया है, तो फटाफट झटपट दूसरा बैच भी डाल लेते हैं। ये भिंडी दोस्तों आपको फ्राई करनी होगी, सारे इक्वल तरीके से ही फ्राई होगी और इसको फ्राई करने में जैसे मैंने बताया 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो चलिए इसको भी अच्छे से घुमा लेते हैं और इधर फटाफट से और भिंडी भी निकाल लेते हैं। झटपट ही मैंने दिखा दिया और फटाफट अगला भी बैच में निकाल के दिखा देता हूँ। तो हमारी लगभग सारी की सारी भिंडी बस निकलने वाली है फ्रेंड्स। और उसके बाद दोस्तों हल्का सा इसमें ऑयल आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, एक और टिश्यू पेपर की मदद से इसे ऊपर से भी हल्का सा कवर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा ऑयल और कम हो सके। ये ऐसे ड्राई हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको थोड़ा सा मुझे वेट करना होगा कि ये कूल डाउन हो जाए, क्योंकि अभी मुझे इसे कटवाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से इसे कटवा लिया है मैंने और हमने इसे काटने के बाद एक बहुत ही बढ़िया फ्राइड भिंडी मसाला फ्राई बहुत ही बढ़िया रेसिपी आज तैयार होने वाली है। ये देखिए कितने अच्छे इसके पीसेस निकल आए हैं फ्रेंड्स। तो सारे की सारी भिंडी को आपको ऐसे ही काट लेना है, झटपट काट लीजिए दोस्तों। ये भिंडी आपको दिख रहा होगा इजीली कट रही है, तो आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसे काटते वक्त दिक्कत आएगी। तो ये हमारी भिंडी सारी की सारी आप देख सकते हैं कट गई है। अब दोस्तों जो आगे की हमारी रेसिपी है वो बहुत ही यूनिक है। अब हमने एक पैन लेना है, उसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे और अब इस भिंडी का हम तड़का लगा रहे हैं। फ्राइड मसाला भिंडी में तड़के के लिए थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हींग का इसमें, और एक बड़ा प्याज चॉप किया हुआ हमने रखा था। अगर आपका छोटा है प्याज तो 2 कर लीजिएगा, क्योंकि भिंडी का प्याज में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाल लीजिए। हमें इसमें ज़्यादा इन्हें ब्राउन नहीं करना, क्योंकि भिंडी में जैसे ही प्याज मुँह में आता है भिंडी के साथ, तो ये स्वादिष्ट लगती है। स्वादिष्ट लगेगी तो उसके लिए तो हमें प्याज को ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा सॉटे नहीं करा। अब थोड़ा सा दोस्तों इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगा, ऑप्शनल है, आपको पसंद हो जिंजर गार्लिक तो आप डाल सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं झटपट इसमें डालने वाला हूँ दोस्तों टमाटर। टमाटर भी बड़ा था तो 2, अगर छोटे हैं तो 1।
बस अच्छे से इसे घुमा लीजिए और पका लीजिए। इसे भी आपको ज़्यादा नहीं गलाना है, बस थोड़ा पकाना है, मतलब कि 2 से 3 मिनट काफ़ी होंगे इस टमाटर और प्याज के लिए। अब हल्का सा आप डाल दीजिए नमक, ताकि नमक में अच्छे से पक सके। तो इसलिए मैं इसमें फटाफट से अब थोड़ा सा नमक डाल लेता हूँ। उससे पहले चेक कर लेता हूँ कहीं से चिपक तो नहीं रहा है, क्योंकि हमने ऑयल बेहद ही कम यूज़ करा है। चलिए तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। दोस्तों अब आपको बस इसे 1 ही मिनट और पकाना है, और उसके बाद हम अपनी भिंडी जो काट के रखी थी वो इसमें डाल देंगे। दोस्तों अभी हमने कोई भी और स्पाइसेस नहीं डाले हैं, सिर्फ हमने नमक डाला है। 1 मिनट के लिए मैं इसे ढकूंगा, ताकि ये प्याज और टमाटर थोड़े से पक जाएं, और 1 ही मिनट के बाद बस अब मैं इसमें भिंडी डाल रहा हूँ फ्रेंड्स। दोस्तों भिंडी जो हमने फ्राई करके काट के रखी थी वो जब इसमें जाएगी तो लगभग आधी तो वो वैसी फ्राई के साथ साथ पक चुकी थी, तो हमें बस आधा ही पकाना रह गया, और मैं कहूँगा आधी से थोड़ी ज़्यादा ही फ्राई में पक चुकी थी। तो बस हमें झटपट इसको पकाना है। अच्छे से पहले मिक्स करते हैं। अभी देखिएगा दोस्तों, हमने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करे हैं, इसका मतलब साफ है कि अभी भिंडी को हमें ऐसे ही नमक में और प्याज टमाटर में ही पकाने देना है। अब मैं इसको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढकूंगा, और उसके बाद ज़्यादा देर नहीं ढकना है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक रहा हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब एक बार मैं सारी भिंडी को घुमा लेता हूँ। भिंडी अब लगभग 70-80% पक चुकी है, तो मैं अपने सारे मसाले डाल लेता हूँ, जिसमें मैं लाल मिर्च, देगी मिर्च डाल रहा हूँ, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, स्वाद अनुसार गरम मसाला और धनिया पाउडर इसमें डाल लेते हैं। अच्छे से इन स्पाइसेस को मिक्स कर लेते हैं। अब ये स्पाइसेस कच्चे ना रह जाएं, इसलिए मैं फिर से 1-2 मिनट के लिए ढकूंगा। उसके बाद इसको 2-3 मिनट खुले में ही पकाऊंगा, क्योंकि भिंडी खुले में करारी बनती है, और ढक के थोड़ा पसीना आ जाता है, जिसकी वजह से उसका करारापन ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं मसाले अभी कच्ची ना रह जाएँ लगभग सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही ढकने वाला हूँ। फ्रेशनेस देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर आई है भिंडी, कितना बढ़िया ये सारा मिश्रण लग रहा है, और जब खाएंगे ना दोस्तों आपको बहुत अच्छी लगेगी। तलने से दोस्तों हमें क्या मदद मिलती है, जो इसमें लेस होती है ना, वो चाकू में हमें नहीं मिलती, आराम से कट जाती है इजीली, और लेस निकल जाती है ये देखिए, और जो करारापन आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। बस अब इसे खुला ही पकाएंगे ऐसे लगभग 3 से 4 मिनट, ताकि अच्छे से करारी हो, और ये आपकी बहुत ही बढ़िया फ्राई भिंडी मसाला बनके तैयार है। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर से कोई अच्छी सी रेसिपी लेके लौटूंगा।